सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानटूल यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राजीव बुल और आप देख रहे हैं ज्ञानटूल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सेक्शन है ये ग्रुप ए का पीएनआरडी एग्जाम के मैथमेटिक्स का सोल्यूशन है और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये दिया गया है, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन सैलरी फ्रॉम 4000 टू 4600। तो सैलरी में कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ है अगर पहले सैलरी 4000 था उसके बाद 4600 हुआ है। तो इसे करने के लिए आप पहले क्या करेंगे, इसका जो पहले लिखेंगे पहला सैलरी कितना था 4000 रुपीज़ और उसके बाद कितना हुआ है 4600 रुपीज़। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि डिफरेंस कितना है, मतलब इंक्रीज कितना हुआ है 600 रुपीज़। तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जितना डिफरेंस हुआ है मतलब जितना इंक्रीज हुआ है उसको 4000 से आप डिवाइड करेंगे, तो मतलब जो पहले था और इसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 4 16 में 15 टाइम जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वल टू 15% सैलरी इंक्रीज हुआ है 4000 से लेकर 4600 हुआ तक। तो दोस्तों इसे आप और एक बिना फॉर्मूला यूज़ किए भी आप कर सकते हैं, जैसे कि खुद कॉमन सेंस लगा कर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए 600 इंक्रीज हुआ है 4000 में, तो 300 यूज़ हुआ होगा 2000 में और 150 हुआ यूज़ हुआ है 1000 में, तो 15 यूज़ होगा 100 में, मतलब 15%। और एक आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, ए पर्सन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज सन अमंग हिज ऑनली सन एंड टी टू डॉटर्स इन द रेशियो 2:1:1। द शेयर ऑफ दिस हिज सन्स प्रॉपर्टी इज वर्थ ऑफ 60,000, देन व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन। इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको आप कैसे निकालेंगे। तो पहले देखिए आप यहाँ पे रेशियो कितने दिया हुआ है, जो तीन लोगों में डिवाइड हुआ है उसका रेशियो है 2:1:1। इसका मतलब टोटल कितना हुआ, 4, यानी कि 2+1+1 4 रेशियो हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर 2 शेयर के लिए यहाँ पे कितना दिया गया है 60,000, तो 1 के लिए कितना होगा, 1 के लिए होगा 60,000 डिवाइडेड बाई 2। तो अभी यहाँ पे कितना का निकलना है, मतलब उसका टोटल वैल्यू निकालना है, तो 4 के लिए होगा 60,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, तो 2 4 में 2 टाइम्स और 2 6 जा 12, तो 120 आएगा इसका आंसर। तो 1,20,000 रुपया इसका जो टोटल प्रॉपर्टी था वो था 1,20,000 रुपया। तो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि एवरेज एज ऑफ 40 एम्प्लॉइज इन ए कंपनी इज 25 इयर्स। इफ द एज ऑफ अ न्यू एम्प्लॉइ इज इंक्लूडेड देन द एवरेज इंक्रीज बाय 3 मंथ्स एंड व्हाट इज द एज ऑफ द न्यू एम्प्लॉइ। तो यहाँ पे दिया गया है कि 40 एम्प्लॉइ का टोटल एवरेज एज कितना है 25 इयर्स, और अगर उसमें और एक नया एम्प्लॉई ऐड किया जाए तो उन लोगों का जो एवरेज एज है वो 3 महीना इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको करने के लिए आप जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है आप पहले वो नोट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 एम्प्लॉई का टोटल एवरेज एज हुआ है 25 इयर्स, और अगर इसके साथ आप और एक ऐड करेंगे, सपोज ए ऐड करेंगे, तो उसका जो टोटल एवरेज एज हो जाएगा वो होगा 25 इयर्स एंड 3 मंथ्स। दोस्तों एवरेज मतलब 3 मंथ हर किसी में ऐड होगा, तो हर किसी एम्प्लॉय में 3 मंथ ऐड होगा। तो आप 3 मंथ हर किसी एम्प्लॉय में ऐड करके देखिए, 40 एम्प्लॉय है तो 3 मंथ ऐड करने के बाद कितना होगा 120 मंथ। तो 120 मंथ मतलब एक साल में 12 मंथ होता है, और मतलब 12 मंथ मतलब एक साल, तो यहाँ पे 120 मंथ मतलब 10 साल, ठीक है। तो यहाँ पे कितना एज दिया गया था 25 इयर्स, और यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है 10 इयर्स, तो कितना होगा 35 और 3 महीना, तो 35 इयर्स एंड 3 मंथ होगा न्यू एम्प्लॉई का एज। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी।
35 ईयर्स 3 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एट व्हाट परसेंटेज द रेट ऑफ एनम सॉरी एट व्हाट परसेंटेज ऑफ रेट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इन 10 इयर्स। तो कितने परसेंट इंटरेस्ट में पर एनम के हिसाब से 10 साल में आपका जो कोई भी वैल्यू है वो डबल हो जाएगा। तो इसे यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसे कैसे करेंगे। इस सिंपल इंटरेस्ट का जो सिंपल फॉर्मूला है वो है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल नंबर ऑफ ईयर, इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। तो सपोज हम उसका सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपया मान लेते हैं और इसका जो प्रिंसिपल भी 1 रुपया मान लेते हैं और नंबर ऑफ ईयर्स कितना कहा गया है 10 ईयर्स, तो हमको निकालना क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, ये है। तो अभी कितना रहेगा आर इजिकल टू 10%। तो दोस्तों किसी भी प्रिंसिपल को अगर आप 10% पर एनम के हिसाब से डिपॉजिट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में तो वो 10 साल में डबल हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया गया है कि रोहन परचेज़ टीवी सेट फॉर रेस 4,500 रुपीज। ही सेल्स इट टू रस एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। आफ्टर सम डेज रस सेल्स द टीवी सेट बैक टू रोहन एट अ लॉस ऑफ 10%। देन फाइंड द रोहन्स सेविंग द होल ट्रांजेक्शन। तो पहले रोहन ने खरीदा है उसे 4,500 रुपीज में, फिर उसने राज को ये 10% प्रॉफिट में बेचा है, फिर राज ने उसको 10% लॉस दे करके उसको रोहन को दिया है। तो यहाँ पे रोहन का सेविंग निकालने के लिए दिया है। तो इसको करने के लिए आप देखेंगे 10% प्रॉफिट मतलब 100 में 10 रुपीज प्रॉफिट, इसका मतलब 110 रुपीज। तो इसको आप कैसे करेंगे, उसने उसे खरीदा था 4,500 रुपीज, तो उसको 10% इंटरेस्ट के हिसाब से 110 और उसको 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल कट जाएगा। तब यहाँ पे कितना रहेगा इसका जो होगा वो होगा 4,950। तो जो रोहन है, रोहन ने 4,500 से खरीद करके उसको 4,950 रुपीज बेचा है उसको राज को। तो ये था 10% प्रॉफिट। तो फिर राज ने क्या किया, उसको 10% लॉस से उसको दे दिया। तो 10% लॉस के हिसाब से उसका जो प्रिंसिपल था वो था 4,950। तो उसको 10% लॉस यानी कि 90 रुपीज डिवाइड बाय 100। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4,455। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ही राज का जो सेविंग है, रोहन का जो सेविंग है वो निकल जाएगा और डिफरेंस आएगा 495 रुपीज़ इसका राज रोहन का सेविंग है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए 495। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये था कि ए डिस्टेंस ऑफ 355 मीटर कैन बी कवर्ड बाय रोहन इन 1 मिनट एंड 15 सेकेंड। इफ ही हैज टू गो 1,065 मीटर देन हाउ मच टाइम विल टेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 355 मीटर जाने के लिए उसको टाइम लगता है 1 मिनट 15 सेकेंड। तो उसको 1,065 मीटर जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, तो आप इसको काम कीजिए 1,065 को आप 355 से डिवाइड कर दीजिए। 355 से डिवाइड करेंगे तो आप इसमें थ्री टाइम जाएगा, ठीक है। तो 355 मीटर जाने के लिए उसको कितना टाइम लगता है 1 मिनट 15 सेकेंड। तो यहाँ पे 355 से कितनी बार आया है 355, तो फिर से 1 मिनट 15 सेकेंड लगेगा। इसको दोस्तों कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस अपने बेसिक कॉमन सेंस से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा 3 मिनट और 45 सेकेंड। तो उसको टोटल 3 मिनट और 45 सेकेंड लगेगा 1,065 मीटर जाने के लिए। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर ए 3 मिनट एंड 45 सेकेंड। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि ए पीस ऑफ वर्क कैन बी डन बाय 8 मैन और 12 बॉयज इन 20 डेज। तो हाउ लॉन्ग इट विल बी टेकन बाय 6 मैन एंड 6 बॉयज टू कम्प्लीट द वर्क। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप पहले क्या करेंगे, इसमें जो कहा गया आप लिखेंगे, जैसे कि 8 मैन
को कितना दिन लगता है? 20 डेज। और 12 बॉयज को भी कितना दिन लगता है? 20 डेज। तो अब देखेंगे यहाँ पे, अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे तो ये कट जाएगा, फिर और यहाँ पे आ जाएगा 2m = 3b। तो अगर आप मैन और बॉयज का रेशियो निकालेंगे तो ये एम बी 3/2 आएगा। तो अभी आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए सपोज आप मैन का लेंगे या फिर बॉय का कोई भी ले सकते हैं, तो लेने के लिए 8m × 20। तो इसमें से कोई भी एक आप पुट कर सकते हैं, तो हम 3 का पुट, मैन का पुट कर रहे हैं, करने से क्या होगा 8 × 3 × 20। तो अभी यहाँ पे हमको निकालने के लिए क्या दिया है कि 6 मैन और 6 बॉयज को कितना दिन लगेगा। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18 और यहाँ पे आएगा 12। तो यहाँ पे टोटल कितना होगा 30। तो हम 30 से इसको डिवाइड कर देंगे, टोटल वर्क को 30 से डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करने से ये कटेगा, 3 कटेगा, फिर 8 × 16। तो उस उन लोगों को कंप्लीट 16 डेज लगेगा एक काम कंप्लीट करने के लिए। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, ए स्कूटर इज सोल्ड फॉर 18,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ द स्कूटर इज, तो हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस फॉर्मूला कैसे निकालना है। तो उसका फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितने दिए गए हैं 18,000, तो कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है, और प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे कितना दिया गया है 20%, मतलब 100 में 20, तो 120 डिवाइडेड बाय 100। तो अभी इसको इधर से लेके आएंगे, सी पी ये उधर आएगा तो प्ले हो जाएगा 18,000 × 100/120। ये काटेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको आएगा 15,000। तो इसके टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा 15,000 rupees। SP = CP × Profit%। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में यह दिया गया था कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज एंड 24 डेज रेस्पेक्टिवली, सो दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, व्हाट आफ्टर 4 डेज बी लेफ्ट, देन हाउ विल इट बी टेकन बाय ए टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो यहाँ पे ए इज टू बी करते हैं, ए को कितना दिन लगता है 12 डेज और बी को 24 डेज लगता है। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसमें आएगा 24 और 24 इसमें 12 टू में 24 में 2 टाइम्स और 24 वन टाइम जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए है ए का वर्क एक दिन में और ये है बी का वर्क एक दिन में। तो हमको टोटल वर्क होगा यहाँ पे 24, टोटल वर्क होगा 24। तो उन लोगों ने एक से कितना दिन काम किया था, 4 दिन काम किया था, तो टोटल कितना काम हुआ 12। तो 4 दिन बाद क्या हुआ, ए बी जो है वो उसने लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया, तो ये कट जाएगा, तो अभी कितना रहेगा बी। तो अगर एक बनाने के लिए तो टोटल वर्क था 24, 24 से 12 कम हो गया था, तो कितना बचेगा 12, और बी कितना बचा है यहाँ पे, सिर्फ ए रहा है, बी चला गया, तो ए को टाइम लगेगा 12/2, इसको डिवाइड करने से कितना आएगा 6 डेज। तो उन लोगों को टोटल, सॉरी ए को टोटल 6 डेज लगेगा एक काम कंप्लीट करने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रेस्ट 12,000 फॉर 3.5 years एट इंटरेस्ट ऑफ 8% एनम इज। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए दिया है, तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ऐसा है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल नंबर ऑफ ईयर्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए दिया है और प्रिंसिपल यहाँ पे दिए गए हैं 12,000 नंबर ऑफ ईयर्स
थ्री टू वन मतलब 7/2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए गए हैं 8 और इसको 100 से डिवाइड करना है, तो इसको काटेंगे तो ये जाएगा 2/8 में 4 टाइम्स जाएगा तो रहेगा 120 इंटू 7 इंटू 4 मतलब 120 इंटू 28 0 6 and 3 3 तो ये रहा उसका इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट होगा 3,360 रुपीज़। और इसमें ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो PNRD का एग्जाम का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन है उसमें 10 क्वेश्चंस जो दिए थे मैंने उसका सॉल्यूशन यहाँ पे देने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मेरा फेसबुक पेज भी आप सर्च कर सकते हैं facebook.com/ज्ञानटूल, तो आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।